अगर आपके पास भी Redmi Note 11 Pro Plus 5G या फिर Poco X4 Pro 5G है तो कैसे आप इस डिवाइस के अंदर MIUI 14 के अपडेट को अभी के अभी आप इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार अभी तो MIUI 14 का कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इस डिवाइस के अंदर जो अपडेट गया था वो गया था यहाँ पर 13.0.7.0 और ये वाला जो अपडेट है ये भी सभी लोगों को नहीं मिला है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MIUI 14 आप अभी के अभी कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। 110% मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। बस वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करना। और एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी यार, मैंने ना एक वॉच का रिव्यू किया अपने चैनल पे जो कि ये वाली वॉच है। अगर आप चाहते हो इस वॉच का गिव अवे हो तो उस वीडियो पे अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ। वीडियो डाली हुई है, आपको मेरे चैनल पर जाना है, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाओ इस वीडियो को वॉच करो जो मेरी वॉच की वीडियो है। मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो भाई मैं इसका गिव अवे कर दूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो आप प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। दिखाओगे तो भाई मैं, क्योंकि मेरा कुछ काम का है नहीं वॉच, तो मैं आप में से किसी एक बंदे को गिव अवे कर दूंगा, उसकी डिटेल आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं फिलहाल MIUI 14 का अपडेट हमें कैसे इंस्टॉल करना है अपने Redmi Note 11 Pro Plus 5G या फिर Poco X4 Pro 5G के अंदर। तो देखो गाइस क्या है कि इसके अंदर जो MIUI 14 का अपडेट है चाइना और यूरोप में जा चुका है, ग्लोबल इंडोनेशिया और यहां पर इंडिया के अंदर अपडेट नहीं आया है। तो क्या है कि देखो जब किसी अदर कंट्री में आता है तो उसका रोम का लिंक आया, तो देख सकते हो ऊपर वाली जो रोम है ये है यूरोप की और नीचे वाली जो है इंडिया की। ये दो रोम आपको डाउनलोड करनी है, पहली जो आपके डिवाइस में जो भी वर्जन चल रहा हो वो आपको इंस्टॉल यानी डाउनलोड करना है, दूसरा आपको यूरोप वाली, ये तो सबको डाउनलोड करनी ही करनी है, ऊपर वाली 4.0.1.0 ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, दूसरा 13.0.7.0। अगर आपके डिवाइस में 6.0 वर्जन चल रहा है तो आप 6.0 वाली ही फाइल डाउनलोड करना। मैं दोनों दे दूंगा, जिसके में 6.0 है वो 6.0 डाउनलोड करना, जिसके में 7.0 वो 7.0 डाउनलोड करना। ये बात आप कान खोल कर सुन रहे हो। और वीडियो को क्या करना है भाई, वीडियो को कुछ नहीं, वीडियो को सही से वॉच करना तभी जाके आपका अपडेट होगा। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का जो वर्जन है यानी कि 13.0.7.0 है 7.0 वाली फाइल डाउनलोड करना है, या फिर 6.0 वाली जो भी आपका फ़ोन में वर्जन चल रहा है वही डाउनलोड करना है। आप सिंपल इसमें जाना है और यहाँ पर ना आप अपने वाईफाई या फिर जो भी मोबाइल डेटा से कनेक्ट करना चाहो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो तो कनेक्ट हो चुका है और कोई भी MIUI 14 का अपडेट हमारे डिवाइस में नहीं आ रखा है। सिंपल यहाँ आने के बाद 3-4 बार यहाँ पर आपको टैप करना है, एडिशनल फीचर ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ अब आपको करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपको जाना है जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी हो यानी कि आपने जहाँ पर भी आपने सेव कर रखी हो, तो सिंपल ये देख सकते हो यहाँ पर हमें AB करके नाम रखना है। ये जो पहली वाली फाइल है जो कि हमारे 3.0.7.0 इसको हम जो नेम दे देते हैं रीनेम कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं A, ठीक है कुछ इस तरह से देख लेना। लास्ट में जिप यहाँ पर लिखा हो, जैसे मेरे में .zip है, ये आप ध्यान से देख लेना। दूसरी वाली फाइल जो इसको नाम हम दे देते हैं B, सिंपल यही आपको करना है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी जो कि इंडोनेशिया रोम वाली थी। अब देखो ये चीज होने के बाद AB बन जाएगा। अब इसके बाद होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे चूज पैकेट अपडेट पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद ये देख सकते हो Redmi Note 11 Pro Plus 5G लिखा है। अगर आपका पोको होगा तो पोको लिखा हुआ है। सिंपल इस पर टैप करने के बाद हमें फाइल को सेलेक्ट करना है। ये देख सकते हो ये रही यहाँ पर हमारी फाइल जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। तीन चीज आपको खोल के रखनी है बैकग्राउंड में, बस सेटिंग हो और कुछ भी ना हो। देख सकते हो यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीन चीजें। सिंपल अब हमें करना क्या, ए वाली फाइल को सेलेक्ट करना। जैसी ही फाइल सेलेक्ट होगी इस वाले में फोल्डर में चले जाना है। यहाँ पर जो ए वाली फाइल है ये देख सकते हो ए वाली फाइल है, इसको हम कर देंगे यहाँ पर कन्वर्ट, रीनेम करके कुछ भी रख देते हैं, एफ मैंने यहाँ पर रख दिया। और ये जो बी वाली फाइल है इसको हम ए में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान से देखनी जैसे कि मैंने किया, देख सकते हो। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन ले रहा कि फाइल सही है गलत है जो भी है ये यहाँ पर देख रहा है। तो फाइल सेलेक्ट होगी क्योंकि हमने एक ट्रिक लगाया, उसकी मदद से यहाँ पर आप देख सकते हो वर्जन क्या लिखा रहा है, 13.0.7.0 जो आपके डिवाइस में अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये जो है 13.0.7.0 नहीं इंस्टॉल होगा, ये MIUI 14 इंस्टॉल होगा। तो देखो अब क्या जो मेन था फाइल सेलेक्ट करने वाला प्रोसेस था, अगर आपने वो सही से नहीं देखा तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, आपके में दिक्कत आ जाएगी, आपके में यहीं पे एरर आ जाएगा। बट मेरी कंडीशन में एरर नहीं आ रहा है, मेरे में अपडेट हो रहा है। देख सकते हो अभी 0%, अभी 1% होगा, 2 होगा, 3 होगा और अपडेट जो सक्सेसफुल इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जब तक नहीं हटेगा तब तक मैं नहीं हटाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि आप बस फाइल को देखो, सही से सेलेक्ट करो जैसे मैंने किया है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1% यहाँ पर हो चुका है, या आपका स्क्रीन ऑन होकर ही अपडेट होगा। अब यहाँ पर लास्ट में ना रिबूट मांगेगा कि नहीं कि अपडेट सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुके, अब आप अपने डिवाइस को
रिबूट करो। तो रिबूट होने का हम वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। देख सकते हो कि मेरे डिवाइस पे अब यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, पहले तो मैं साइड पर रख देता हूँ, ये है टाइमर जो कि लाइव टाइम यानी कि लाइव जो होता है वो आपके सामने होगा, ताकि आप ये ना बोलो वीडियो फेक है कट करके जो भी वो बनाई हुई है। ठीक है, टाइमिंग आप देख लो यहाँ पर 5:31 हो रहे हैं। अब मैं आपको बैक करके एक चीज़ दिखा देता हूँ, सेटिंग में हम जाते हैं, अभी जो मेरा वर्जन है वो है 13.0.7.0 और मेरे फ़ोन में क्या क्या चीज़ें वो भी आप यहाँ पर देख लो, क्योंकि अपडेट होने के बाद कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ये सारी जो फोटोज़ है वो सब है। अब देखो यहाँ पर जो वर्जन है हमें इंडिया वाली रोम पे, अब जो हम अपडेट यहाँ पर रिबूट पे टैप करने वाले, इसको मैंने यहाँ पर चालू कर दिया, ये देख सकते हो यहाँ पर मैं चालू कर दिया। तो अब क्या होगा, हमारा जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली MIUI 14 पे चला जाएगा, लेकिन जो अपडेट इंस्टॉल होगा वो अदर कंट्री का होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 1:15 लगे हैं इसको बूट होने में, इतना आपको भी लगेगा टाइम, तो घबराने वाली बात कुछ नहीं है। अब देखो हमारा डिवाइस जो यहाँ पर ये चालू हो चुका है, अब आपको पता नहीं चल रहा होगा MIUI 14 इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। सिंपल हम चले जाते हैं यहाँ पर सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वर्जन है वो MIUI 14 का हो चुका है, MIUI 14 आ चुका है, Redmi Note 11 Pro Plus 5G वर्जन जो हमारे यहाँ पर चेंज हो चुका है, Android 13 यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है आपके सामने। अभी मैं और आपको प्रूफ देता हूँ, साइड में आप देख सकते हो हमारा जो टाइमर था वो यहाँ पर हमारा चल ही रहा है, देख सकते हो अभी भी टाइमर हमारा चल रहा है, सॉरी Android 13 है तो मैं 12 क्यों कर रहा हूँ, Android 13 हो चुका है। टाइमिंग आप देख सकते हो सेम टू सेम यहाँ पर आप देख सकते हो 5:33 हो चुका है, जो कि पहले से था, पहले 31 था, अब 33 हो चुका है, 2 मिनट लग गए इसको, 2 मिनट कंप्लीट भी हो चुके हैं और कोई भी फोटो वगैरह मेरी डिलीट नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस मेथड से MIUI 14 को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हो तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यार इंस्टॉल होने के बाद आप एक बार अपने डिवाइस को फैक्ट्री रिसेट कर लेना, क्योंकि देखो करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती, जैसे कि कैमरा नहीं चलता कभी कभार, ब्लूटूथ वर्किंग नहीं है, वाईफाई वर्किंग नहीं है, कॉल नहीं आ रही जा रही, कुछ एप्लीकेशन लैग हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसलिए रिकमेंड ये रहेगा जब कुछ सब कुछ हो जाए एक बार इरेज ऑल डेटा कर देना। अब देखो इसमें ना ही आपको बूटलोडर अनलॉक करने की पड़ी, ना ही कोई आपको कुछ अलग दिक्कत आई, कोई भी आपको कुछ नहीं पड़ा, कहीं जाना नहीं पड़ा और आपका जो इजीली से सब कुछ हो गया, आपका डेटा भी सेफ है। अगर आपको कोई चलाने में कोई दिक्कत ना आ रही हो तो आप नॉर्मली चलाओ, अगर कोई दिक्कत आती है लैग है या फिर कुछ अलग दिक्कत आ रही है, कैमरा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो भाई इस तो आपको एक बार फोन रिसेट कर लेना। देख सकते हो यहाँ पर अपडेट सक्सेसफुली सक्सेस लिखा हुआ भी आ रहा है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उनमें से एक ही फाइल बची होगी, क्योंकि एक फाइल हमने इंस्टॉल कर ली थी ये रही, और आप जब फाइल यहाँ पर रखो तो भाई प्लीज़ इसका बैकअप बना लेना अलग से, अगर फाइल कुछ करप्ट करप्ट हो जाती है तो आपका दोबारा आप उस चीज़ को कर पाओ। तो इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं कि इतना हो चुका है, देख सकते हो मैंने फाइल का ऑलरेडी बैकअप बना रहा था, अगर नहीं होता तो वो मैं आपको करके दिखा देता। अब देखो ये सारी वही चीज़ें, बस बात ये है कि ये है यूरोप वाली रोम, तो यूरोप से हमें कोई लेन देना नहीं, सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं होता, आप इसको यूज़ कर सकते हैं MIUI 14, क्योंकि इंडिया में आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर बता दो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे इस ट्रिक को हम अप्लाई करके इंडिया वाली रोम में भी जा सकते हैं, हाँ भाई जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का याद रखना, अभी 13.0.7.0 उसके अंदर चल रहा है, तो वो इस वर्जन पे आप ट्राई करना, अगर चले जाते तो ठीक है, अगर नहीं जाते आपको कोई इरर आता है तो जब तक उसमें कोई नया अपडेट नहीं आया था 13.0.7 के बाद, तब तक आप उसमें वापस नहीं जा पाओगे, ये चीज़ आप जरूर से ध्यान में रखना, क्योंकि इरर आएगा जब आप यही सेम ट्रिक आप अप्लाई करोगे उसमें, पहले आपको ये वाली इंस्टॉल करनी है, उसको रीनेम करके फिर आपको दूसरे वाला इंडिया वाली रोम को फ्लैश करना है, तो उसमें इरर आएगा कि आपका जो कुछ ऐसी सही पैच वाला नोट का इरर आ जाता है, ये बात आप जरूर से ध्यान में रखना, जब तक उसमें नया अपडेट नहीं आएगा तब तक आप नहीं जा सकते, इस चीज़ को आप जरूर से ध्यान में रखना। बाकी देखो इस मेथड से आप MIUI 14 इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी तो यार हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।